नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, जो कि शुरू होने वाला है अपना वीक 24th ऑफ जुलाई से, और ये शायद एक्सपायरी वाला वीक भी है, मंथली एक्सपायरी वाला वीक निफ्टी का। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, ये मेरा पर्सनल आकलन है मार्केट को लेकर, जो कि मैं एजुकेशनल पर्पस के साथ आपके लिए शेयर करता हूँ। आपके प्रॉफिट एंड लॉस का मैं, मेरा चैनल कहीं से भी जिम्मेवार नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, फिर ही बाय सेल का बटन दबाइए। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में आपने जो मंडे को लास्ट फ्राइडे को देखा होगा, कोई वीकनेस नहीं थी। ठीक है, जैसे ही 46,000 के नीचे आता था निफ्टी की वजह से, जो भी साइडवेज टू नेगेटिव था, वैसे ही बाइंग आ जाती थी और क्लोजिंग कहीं पर भी 15-20 मिनट कैंडल की 46,000 के नीचे नहीं हुई है। ठीक है, चलिए छोटे से और 15 मिनट के उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये लो बनाया, अदरवाइज पूरा ऊपर की तरफ था ये। ठीक है, अब कारण क्या था इसका, आपके रिजल्ट थे। ठीक है, कोटक का था, ICICI का था, RBL का था। ठीक है, और भी शायद एक दो बैंक, AU बैंक का रिजल्ट था, है ना, इन बैंक के रिजल्ट थे, तो वीकनेस कहीं, और रिजल्ट इनके अच्छे हैं। ठीक है, यस बैंक का भी रिजल्ट आया है, तो बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट जो हैं ठीक ठाक हैं। पर आपने जो एक चीज़ ध्यान पे देनी है, बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स भी टॉप पे ट्रेड कर रहा है भाई। ठीक है, बिल्कुल टॉप पे ट्रेडिंग हो रही है बैंकिंग सेक्टर में। तो यहाँ पे जो ये जो रिजल्ट का इम्पैक्ट है, रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से बाय सेल का बटन दबाने के लिए लोग उतरेंगे, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि ये इम्पैक्ट जो है प्री ओपनिंग में ही देखने को मिल जाएगा आपको, जो कि मुझे लगता है। ऐसा नहीं होगा कि प्री ओपनिंग में बिल्कुल यहाँ पे खुल के मार्केट फिर ऊपर की तरफ रिएक्ट करेगा, फिर नीचे की तरफ रिएक्ट करेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पूरे प्राइस जो है पिछले 3 महीने से टॉप पर ही है बैंक निफ्टी के, है ना, तो जो ऊपर की तरफ निकलता भी है तो कॉशियसली रह के आपको बाइंग की पोजीशन बनानी। मेरी सलाह यही रहेगी, 46,350 ये लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी नहीं होल्ड करता अपने आप को, ठीक है, तो प्लीज बाय का बटन मत दबाइएगा। 46,350, ठीक है, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाय साइड, आपका टारगेट है 46,600 एंड 46,800, दैट्स इट। इससे ऊपर का फिलहाल मैं मंडे को नहीं सोच रहा हूँ, कुछ और मुझे दिखता है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का, अगर वो तेजी करना चाहता है, अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। सारे स्टॉक्स के रिजल्ट जो है मेरे हिसाब से तो प्राइज्ड इन है हर एक चीज में, चाहे वो SBI हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कौन सा लेवल ब्रेक होने पे, ये है लेवल 45,920, इसको ब्रेक हो जाने दीजिएगा, आपका टारगेट है फिर ये, इस जोन में आएगा फिर, एंड दिस इज 45,350 से लेके 45,500। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है मंडे के दिन। तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हुए ऊपर के लिए, 46,350 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर बैंक निफ्टी को तेजी करनी है। और अगर प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता है बैंक निफ्टी, जिसके चांसेस भी हैं, तो 45,920 ये लेवल ब्रेक हो जाने दीजिएगा, फिर आप डाउनसाइड प्ले कर सकते हैं। SL को ट्रेड करते रहिएगा, प्रॉफिट को बुक करते रहिएगा। बैंक निफ्टी में फिलहाल और ज़्यादा दिमाग यहाँ पे ना लगाया जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो बढ़िया बात है। अब आ जाते हैं हम निफ्टी पे। निफ्टी में दोस्तों मेरा व्यू जो है वो अभी भी नेगेटिव ही है। ठीक है, ये मेरा व्यू है नेगेटिव। अब ट्रेड करने के लेवल क्या होंगे वो जरा देखिए। ठीक है, देखिए
ये एक चैनल में नीचे की तरफ गिर रहा है, इसको हम छोटे से और टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब तक ये इस चैनल के बाहर नहीं निकलेगा, तो समझ लीजिए 19810 इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा, तब तक तेजी तो सोचनी नहीं है, ठीक है। तेजी बिल्कुल नहीं सोचनी है। और बढ़िया तेजी कब होगी, जब ये 19850 को क्रॉस कर लेगा। ये लेवल जो है आपको कॉपी पेन लेके नोट कर लेना चाहिए, 19850 ये है दीवार, वॉल, ठीक है, या कह लीजिए आप एसएल टेक्निकल टर्म में। 19850 अगर नहीं क्रॉस होता है, 19850 अगर मंडे को नहीं क्रॉस होता है, बी ऑन सेल साइड, ठीक है, बी ऑन सेल साइड। 850 क्रॉस हो जाता है तो आप एक बार को बाय कर सकते हैं, ठीक है। कितने पॉइंट के लिए, ये गैप फिल होने के लिए, 19950 तक के टारगेट के लिए, बट दैट्स इट, क्योंकि इसको नीचे आना ही आना है। अगर ये 950 चला गया तब भी नीचे आना, 850 क्रॉस होने पे आप एक बार बाई कर सकते हैं 920-950 के टारगेट के लिए। अब बात आती है कि नहीं ऊपर नहीं जाता, नीचे ही, तो भैया नीचे का जो ब्रेकडाउन लेवल है वो है 19675। इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तो ये जो इसने घर बनाया हुआ है, ठीक है, ये जो इसने घर बनाया हुआ है, यहाँ पे रुक रुक के बाइंग आती रहेगी, ठीक है, यहाँ पे रुक रुक के बाइंग आती रहेगी। तो जो ब्रेकडाउन का लेवल है वो है 19675। इस लेवल के नीचे 5 से 10 मिनट भी रुक जाता है, 19700 का आपको एसएल लगाना है। ये जो यहाँ पे लो बना है, फ्राइडे के दिन अपने को लो देखने को क्या मिला, 19700, तो ये लो का आपको लगाना है एसएल, और इसके नीचे सेल ही करना है। टारगेट है 19650, ये आपको सेम मंडे को देखने को मिल जाने चाहिए। किस केस में, जब ये नीचे की तरह रुख कर लेता है मॉर्निंग में, ठीक है, सिनेरियो मतलब ना फ्लैट ओपनिंग है ना गैप अप ओपनिंग है, नीचे की तरफ चल पड़ता है। और अगर ये नीचे रहता है भाई, मैं फिर बोलूंगा यहाँ हाथ मत लगाइएगा, 19750 के अराउंड निफ्टी को हाथ नहीं लगाना है यहाँ पे, ना ऊपर ना नीचे, इसको ब्रेक करने दीजिए, ठीक है, या तो यहाँ नीचे की तरफ ब्रेक करने दीजिए या ऊपर की तरफ ब्रेक करने दीजिए, ये आपको ध्यान रखना है सोमवार वाले दिन ही, ठीक है। तो ये है दोस्तों, मैं समराइज कर देता हूँ निफ्टी को, ठीक है। जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो है एक 19850, इनकेस अगर निफ्टी ऊपर जाना चाहता है, लेट इट क्रॉस 19850। अगर भैया इसे ब्रेकडाउन देना है तो ये जो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन देता है और हमें क्लोजिंग भी 19675 के नीचे देखने को मिल जाती है, तो डेफिनेटली एक बार हम निफ्टी को इस जोन में देखेंगे जहाँ पे इसने 5 से 6 दिन बिताए थे, 19500 से लेके 19300 के बीच में 2 से 4 दिन ट्रेडिंग हुई थी ना यहाँ पे, ये इस जोन में आएगा फिर इसके नीचे क्लोज होने पे, ठीक है। तो ये लेवल्स नोट करके रख लीजिए, इनके इनके साथ आपको कैसे ट्रेड करना है वो आपको मंडे को मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। तो यही है दोस्तों, लेवल्स पे ट्रेड कीजिएगा। व्यू मेरा डाउनसाइड का है स्पेशली निफ्टी में, पर वो बैंक निफ्टी उसको होल्ड करके रख सकता है, साइडवेज रख सकता है अपने बैंकिंग के रिजल्ट की इम्पैक्ट की वजह से। और अगर बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हमें दोनों में डाउनसाइड का मूव अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी पे भी नज़र रखनी है और निफ्टी में लेवल्स पे नज़र रखनी है, ठीक है। और इतना ज़्यादा अगर आपका दिमाग काम नहीं करता है, जस्ट फॉलो लेवल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने दीजिए, वहाँ से अच्छा मोमेंटम आपको इंट्राडे बेसिस पे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।